जो ना मेरा भाई गेट पे आया था तो मुझे भी बहुत दुख लगा उसको भी, क्योंकि उसने बार बार जो ना पहले माहम से कहा, फिर रुखसाना को, फिर रुखसार को कि अपनी अम्मी को बुलाओ, लेकिन मैं गई नहीं गेट पर। तो वो रोता हुआ जो ना चला गया। मैंने कहा उसको कहो कि अपने मामू से कहो कि मेरी अम्मी जो ना आपके लिए मर गई। लेकिन घर जैसे गया ना, उसने वीडियो बनाई तो भी मैंने उसकी वीडियो देखी तो बहुत ज़्यादा रोना आया कि भाई जो ना चाहे जैसे भी हो ना, भाई भाई होते हैं। तो बहुत अंदर आने के लिए मेरे हस्बैंड ने मना किया था और मुझे बाहर जाने से, तो काफ़ी देर रुका रहा। लेकिन फिर जो ना रुखसार बता रही कि मामू की आंखों में ना आंसू आ गए कि आपकी अम्मी नहीं आ रही। तो रुखसार ने कहा कि नहीं, अम्मी नहीं आ रही। तो चला गया फिर घर जाके, उसने अपनी वीडियो वगैरह भी सब कुछ प्राइवेट कर दिया। और फिर मेरे मुझे जो ना वॉइस भेजा कि आज के बाद जो ना मैं किसी के ऊपर बात नहीं करूँगा, बस आप मुझे माफ़ कर देना, आप हमारी अम्मी की जगह पर हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देर से ही सही मेरे भाई को अक्ल तो आ गई। तो बस आज के बाद जो ना मेरे भाई से कोई झगड़ा नहीं है। अल्लाह पाक उसे खुश रखे, अपने बच्चों के साथ हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। तो बाकी मेरे अब्बू का भी व्लॉग जो है ना नहीं आएगा, उसकी जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगी कुछ दिन जो है ना, क्या वजह है, अब्बू को किसने क्या कहा है या जो हुआ है अब्बू के साथ, इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर कोई और तो इंशाल्लाह बता ही देगा कि आज के बाद अब्बू का व्लॉग क्यों नहीं आएगा। तो मुझे